दुल्हन की तरह सजने लगा रीवा। प्रशासन सहित कांग्रेसी जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी में। हम आपको बता दें, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिवसीय विंध्य के दौरे पर आ रहे हैं। उनका दौरा चित्रकूट से प्रारंभ होकर रीवा के त्योथर में समाप्त होगा। इस दौरान राहुल गांधी रीवा में 27 सितंबर को रात्रि विश्राम करेंगे। राहुल गांधी के आगमन को लेकर जहां कांग्रेसी पूरे शहर को झंडे बैनर होर्डिंग से सजाने में जुट गए हैं, वहीं प्रशासन रीवा में कांग्रेस अध्यक्ष के रात्रि विश्राम को लेकर आवश्यक तैयारियों में जुट गया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश के सभी आला नेता मौजूद रहेंगे। रीवा सर्किट हाउस को पूरी तरह सुरक्षित आरामदायक बनाने में प्रशासन जुटा हुआ है। आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर सर्किट हाउस को रंग रोगन कर सजाया जा रहा है। दरवाजे खिड़कियों में नई जाली सहित मैदान का कचरा जलाया जा रहा है। चारों तरफ की फेंसिंग व्यवस्थित की जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी झंडे बैनर होर्डिंग के माध्यम से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, जिसकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। कल दिनांक 27 तारीख को रीवा की धरती पर स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की धरती पर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी पधार रहे हैं और हम रीवा की जनता, रीवा जिले की जनता से अपील करते हैं कि हमारे अध्यक्ष राहुल गांधी जी रीवा पधार रहे हैं, उनका हम लोग जोरदार स्वागत करें। माननीय रीवा की धरती में हमारे इंदिरा गांधी जी भी, राजीव गांधी जी भी आ चुके हैं। हम लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और मैं अपील करना चाहता हूँ रीवा की जनता से कि कल जो है सुबह 12 बजे से 1 बजे के बीच में वो सतना से चलेंगे, शाम को 3 और 4 के बीच में रीवा पधारेंगे और हम लोग सब कोई उनके साथ, राहुल भैया, सुंदर भैया के साथ हम लोग रहेंगे और रीवा की जनता को सबसे अपील की है वो सब लोग पहुंचेंगे और हम लोग राहुल गांधी जी का बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करेंगे, भोपाल से भी अच्छा स्वागत करेंगे। दिनांक 27 तारीख को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का रीवा संभाग का दौरा हो रहा है। राहुल गांधी जी 27 तारीख को दोपहर कामतानाथ जी के मंदिर चित्रकूट में दर्शन करने के उपरांत सतना में एक आम सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद माधवगढ़ से उनका कारवां बस में रीवा के लिए रवाना होगा। रोड शो करते हुए उनका रीवा आगमन लगभग 3-3:30 बजे के बीच में होगा। रीवा में एग्रीकल्चर कॉलेज तिराहा से जयस्तंभ, जयस्तंभ से प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहा, अमहैया, सिरमौर चौराहा होते हुए वो पूरी रैली को सिरमौर चौराहे में संबोधित करेंगे। रात्रि विश्राम रीवा में करने के उपरांत दूसरे दिन ढेकहा सिमरिया होते हुए उनका कार्यक्रम बैकुंठपुर, लालगांव एवं अंतिम सभा उनकी त्योथर में होगी। मैं आप सब विंध्य क्षेत्र की आम जनता, जनमानस और कांग्रेस जनों से अपील करता हूं कि राहुल जी के हाथ मजबूत करने के लिए, कांग्रेस का हाथ मजबूत करने के लिए, इस भाजपा भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एकत्रित होकर राहुल जी के बातों को सुने और राहुल जी का समर्थन करने के लिए सब लोग एकजुट होकर कांग्रेस का साथ दें। विंध्य क्षेत्र में सफ़ेद शहरों की धरती रीवा में हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, युवाओं के धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी इस विंध्य क्षेत्र के दौरे पर, 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। हम अपने इस रीवा जिले के तमाम सभी 8 विधानसभा, रीवा विधानसभा सहित सभी विधानसभा क्षेत्रों की जनता से, जनार्दन से ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ करके उनके कार्यक्रम को सफल बनाएं और आने वाले दिनों के संकेत दीजिए कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इससे हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी को आश्वस्त करने का आप प्रयास करें और मैं सभी अपने क्षेत्र के जितने भी हमारे नागरिक हैं, जनता जनार्दन हैं, मतदाता हैं, उन सब से विनती करना चाहता हूं कि 2 दिन समय निकाल करके आदरणीय राहुल गांधी के कार्यक्रम में तन्मयता के साथ रहने का प्रयास करें।
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी, युवाओं के हृदय सम्राट, सफ़ेद शेर बिंद की धारा में उनका आगमन हो रहा है। बिंद की जनता उनके स्वागत के लिए आतुर है। ऐसा स्वागत होगा जैसे उनके पूर्वज नेहरू जी का, इंदिरा जी का, राजीव जी का भव्य स्वागत बिंद की जनता ने किया था, उसी तरह आज आने वाली युवा पीढ़ी भी तैयार है उनके स्वागत के लिए, भव्य स्वागत होगा। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का 27 और 28 सितंबर को रीवा में दौरा हो रहा है। राहुल गांधी जी मानसरोवर यात्रा के बाद आए और ईश्वर की कुछ ऐसी प्रेरणा रही होगी कि उन्होंने महामृत्युंजय धाम को ही अपने चुनाव की शंखनाद के लिए चुना और वो रीवा आ रहे हैं। इससे कांग्रेस के रीवा के सभी स्थानीय कार्यकर्ताओं में, शहर में एक हर्ष का वातावरण है और हर लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आतुर हैं, उनसे मिलने के लिए आतुर हैं, क्योंकि राहुल गांधी उसी परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार में इंदिरा जी ने 25-25 गोलियां अपने शरीर में खाई इस देश के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए, और उनके पिताजी राजीव गांधी का भी आतंकवादी घटना के शिकार हुए जिसमें उनके शरीर का इस तरीके से बम से विस्फोट कर दिया गया कि राहुल जी को उनकी अंत्येष्टि करने के लिए भी पूरा शरीर नहीं प्राप्त हुआ। एक ऐसी शहादत देने वाले और देशभक्त परिवार का एक नौजवान युवा नेता आप रीवा में आ रहे हैं और पूरा हम सब कांग्रेस के लोगों में इसके लिए उत्साह है। चारों तरफ शहर की सजावट चल रही है, सब तरफ से पूरे जिले से लोग, आसपास के जिलों से लोग आ रहे हैं और राहुल गांधी का ये जो दौरा है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके अत्याचार और जिसके प्रशासन से दुखी है जनता, उसको एक ये जो दौरा है ये उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक पहला कदम होगा।